नमस्कार दोस्तों, अभी अभी बिहार के बक्सर में हुआ बड़ा ट्रेन हादसा। जी हां, ट्रेन के 6 डिब्बे पटरी से उतरी। ट्रेन में बैठे यात्रियों के बीच मचा हड़कंप, कई यात्रियों की हुई मौत, कई यात्री हुए घायल। आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हुई, कब हुई और किसकी लापरवाही से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, क्या है पूरी घटना, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल होता यूं है कि दिल्ली से कामाख्या जा रही ट्रेन अचानक से रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास पलट जाती है, जिसके बाद ये बड़ा दुर्घटना हो जाता है। आपको बता दें, बक्सर के रघुनाथ स्टेशन के पास नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 6 डिब्बे पटरी से उतर जाती है। ट्रेन संख्या 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दिल्ली के आनंद विहार से कामाख्या जा रही थी। इसी दौरान एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है। यह घटना डीडू पटना रेलखंड के रघुनाथ स्टेशन की है। घटना स्थल की ओर जिला प्रशासन और पुलिस की टीम रवाना हो चुकी है। बताया ये भी जा रहा है कि दिल्ली से पटना की ओर यह ट्रेन जा रही थी। बक्सर जंक्शन से यह ट्रेन पटना के लिए रवाना हुई थी, तभी रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन पटरी से उतर जाती है, जिसके बाद ये बड़ी दुर्घटना हो जाती है। और ये भी बताया जा रहा है कि ट्रेन बक्सर से आ रहा और पटना रुकती है। रघुनाथ रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था। घटना के कारण का पता अभी तक चल नहीं पाया है कि किस वजह से ये बड़ी दुर्घटना हो जाती है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही थी कि दीनदयाल उपाध्याय पटना रेलखंड के रघुनाथपुर जंक्शन पर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हो जाती है। खबर ये भी आ रही है कि कई यात्रियों की मौत हुई है और कई यात्री अभी भी घायल हैं। अब देखना यह है कि आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हुई है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।